और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो। मैं थक चुका हूँ दोस्तों, क्या बोलूं। बवासीर एक आम समस्या है, इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड आज कर दिया मैंने बहुत बड़ी घोषणा। क्या घोषणा की है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। कि आज से मैं स्वेटर नहीं पहनूंगा, आज से मैंने गर्मियों की घोषणा कर दी है। हर साल मैं ये घोषणा करता हूँ तो आज है 3 अप्रैल और 3 अप्रैल से मैंने घोषणा कर दी है गर्मियों के आने की, अब स्वेटर नहीं डालूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं कॉलेज में, फ्रेंड्स के साथ बात करेंगे एंड जो भी हमारी दिनचर्या रहती है उसके बारे में बताएंगे। सो मिलते हैं कॉलेज में। सो फ्रेंड्स, आज उतार दी है मैंने अपनी खाल। अब मैं आज 2 किलो कम हो चुका हूँ बिना एक्सरसाइज किए। एंड मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ ब्लॉग बनाने को। दुनिया को हंसाने को ब्लॉग बनाता हूँ गम भुलाने को। मुझे ब्लॉग बनाने का शौक नहीं, ब्लॉग बनाता हूँ मैं गम मिटाने को। साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले को। दुनिया को हंसाने को ब्लॉग बनाता हूँ गम मिटाने को। कंट्रोल। So, दोस्तों इसी तरह बने रहे मेरे साथ है। अरे बस कर भाई, ओ पागल कर दिया, पीछा छोड़ दे। हर साथ है हमारे नितेश भाई। हेलो नितेश भाई, कैसा है? हेलो भाई, बढ़िया है, आप बताइए। कैसा फील कर रहे हैं मेरे साथ? बहुत ही लो फील कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? क्यों एनर्जी डाउन कर रही है? ऐसा क्या कह दिया मैंने आपको? कुछ वही तो, कुछ नहीं कर रहा। कब बेइज्जती है? एनर्जी हाई रखो सर, आप टीचर बनोगे, कॉलेज में जाओगे, तो आपका टीचिंग ब्लैक बोर्ड राइटिंग प्रैक्टिस कैसा रहा? बढ़िया जा रहा है सर, अभी तो 2 लेसन डिलीवर हुए हैं और आज पता चलेगा, आज एक्सप्लेनिंग वाला है। आपकी टर्न आई थी? क्या हुआ? आपकी टर्न आई थी जब? आज तो पहली टर्न अपनी ही है, 2 दिन हो गए नहीं हुए। तो टीचिंग कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। एक कल मैंने उसको पूछा था संदीप को, तो बोलता मजा नहीं आ रहा। सो मजा आ रहा है, आप लिखने का मजा आ रहा है, फीलिंग आ रही है। तो गाइस अभी हमारे साथ है बीएड के एक स्टूडेंट टीचर, इनसे हम वार्तालाप करेंगे। सर नाम कहिए अपना। मेरा नाम संजय कुमार है। संजय कुमार, आप कहाँ से हो? मैं हूँ चंबा से। चंबा से। सो आप बीएड कर रहे हो, तो बीएड का जो आपने सोचा एज टीचर बनने के लिए, इसलिए टीचर बनने का एक टीचर ट्रेनिंग है बीएड कोर्स। बिल्कुल। सो आप यहाँ पर बाय चॉइस हो या बाय चांस? आई यूज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम एवरीवन की बाय चांस बोल सकते हैं आप? बाय चांस, ओके। तो हमारे दोस्त भी हमारी तरह बाय चांस यहाँ पर आए हुए हैं, कहीं और जा रहे थे लेकिन गलती से बीएड कॉलेज मिल गया। अच्छा सर, आप आजकल चल रहे, किसकी तैयारी चल रही है? मतलब बीएड में आपका हो रहा है ब्लैक बोर्ड राइटिंग प्रैक्टिस। माइक्रो टीचिंग स्टार्ट होगी तो आपका ब्लैक बोर्ड राइटिंग जो स्किल्स है वो चल रही है। सो कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? एक्सपीरियंस तो अभी हम जैसे कुछ सीख रहे हैं नया, इसमें 5 स्किल है हमारी, तो अभी तो बेसिकली दूसरी स्किल चली हुई एक्सप्लेनिंग वाली। इससे पहले हमने की थी स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग, जिसमें हमने जो सीखा कि मतलब कैसे हम ब्लैक बोर्ड को यूज़ करते हैं प्रॉपरली, कैसे मतलब बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं। और दूसरा जो ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल्स होती है, उस दौरान आपको काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि क्रिटिसिज्म की आपका अलाइनमेंट सही नहीं है या आपका स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रहा है या फिर आपका पोजिशन सही नहीं है इस हिसाब से। सो उन आलोचनाओं को आप कैसे लेते हैं? मैं उनको पॉजिटिवली लेता हूँ, जैसे उन्हीं से हम सीखेंगे कि हमारी क्या मिस्टेक्स थी और अगले लेसन प्लान में हम उनको मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर वो नहीं मिलेंगी तो हमें अपनी असेसमेंट का पता नहीं चलेगा। सो संजय सर, आपके साथ बात करके काफ़ी अच्छा लगा।
जीवन का पहला इंटरव्यू आप सर, नोविस ब्लॉग्स में दे रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, अमेजिंग। आप जब बीएड करने आए तो यहाँ से टीचर बनने का सफर शुरू होता है, टीचर ट्रेनिंग से टीचर बनने का सफर ट्रेनिंग शुरू हो रही है, टीचर बनेंगे? नहीं, तो ट्रेनिंग से ही जी सर हो रहा है ना जी। सो आप यहाँ पर बाय चांस या बाय चॉइस? सर दोनों नहीं हो सकता ना, चांस मिला तभी इधर है और चॉइस था तभी चांस मिला, दोनों है सर। ओके वाह, व्हाट इज अ डिप्लोमेटिक आंसर। थैंक यू सर, थैंक यू। स्मार्ट, वेरी मच इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स सर। किसमें? पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स। ओके, सो लड़ो ना चुनाव, यहाँ क्या कर रहे हो आप टीचर? सर मैं सोच रही हूं। तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी बीएड की लाइफ कैसी है आपकी? सर बहुत अमेजिंग चल रही है, जब तक काम नहीं होता ना, मतलब लिख लिख के मेरे को ना सर्वाइकल हो गया हुआ है। अच्छा। लेकिन फिर अच्छी चल रही है, ओवरऑल अच्छी चल रही है, मजे आ रहे हैं। माइक्रो टीचिंग में बहुत मजे आ रहे हैं। चलो, ओके, वो राइटिंग प्रैक्टिस, वो तो हमने देखी ना, आज सर बोल नहीं रहे थे वो शफल वाले एग्जाम्पल, सर मेरे को ही देख रहे थे। ओके, सो और क्या पूछूं मैं? पूछ लो। हाँ सर, सर के चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो। मैं ब्लॉग्स इसीलिए बनाता हूँ कि बीएड लाइफ के बारे में लोगों को पता चले। हाँ, और वो फैसिनेटो है ना, कि बहुत अच्छी फील्ड है ये भी। हाँ जी, एक्सप्लोर सारी फिल्म्स अच्छी होती है, बट ये ज्यादा अच्छी है। हम उन्हीं के लिए बोल रहे हैं जो इंटरेस्टेड है, करके देखो एक बार, मजा आएगा ना। एंट्रेंस एग्जाम के जब आपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की थी, तो उसके लिए बुक्स वगैरह क्या पढ़ी थी आपने? सर एंट्रेंस की कोई तैयारी नहीं थी मेरी। ऐसा जीवन अनुभव सर ने बोला था ना कि मतलब एंटायरली बेस्ड ऑन योर लाइफ एक्सपीरियंसेस, बस वही था। आप मतलब स्पेसिफिकली कोई पढ़ाई नहीं हुई थी इसके लिए? स्पेसिफिकली नहीं। सो मतलब जो आपने, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे इससे पहले बीएड? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, बस मेरे को ना इंटरेस्ट रहता था जैसे हिस्ट्री विस्ट्री में, तो वो थोड़ा करंट अफेयर, बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मैंने ना यूट्यूब की कुछ वीडियोस देखी थी। मैं स्पेसिफिकली कोई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी चैनल हियर। ओके, सो गाइस सुन सकते हैं आपकी, उन्होंने क्या कहा कि कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं होती है, आपके जीवन जो पूरा जो आपने स्टडी किया आज तक वो इम्पॉर्टेंट रहता है। थैंक यू मैम, आपसे मिलकर आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। ओके ओके सर, आज हम बात करेंगे जीसीटी के चाली छात्र अंकित सर। अंकित सर के सामने मैं डर फील कर रहा हूँ, इनकी वाक्चातुरता के कारण। सो सर, अंकित सर को दिखाया जाए और हम इनसे इनके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। अंकित सर, आप देखिए क्या देखिए, इतना भय क्वेश्चन ने मुझे सर आगू से। चलिए, आपने पूछा तो मैं कहना चाहूंगा देश देशन शोभला देश लो मेरा प्यारा आशेर तितरु चाकरु ए सब गितरु मारा। इसका मतलब तो सर हम जो है हिमाचल प्रदेश जिला कुल्लू की लग घाटी के रहने वाले हैं। उसका अर्थ हुआ जो ये मैंने शायरी कही कि कुल्लू भाषा में से बामणु गीत या लामणु गीत कहा जाता है, तो इसका अर्थ हुआ भाई देश देश में शोभला देश लो गेरा प्यारा, अर्थात देश देश में जो सबसे सुंदर है वो हमारा देश लग वैली का है। और आशा से रे तितरु चाकरु, अर्थात हम इसके मतलब पंछी है, तितरु चाकरु हमारी भाषा में जो है पंछियों को कहा जाता है, कोई पंछियों की जाति होती है। और ऐसा बगीचरु हमारा, बगीचरु मतलब ऐसा बाग जैसा आपके पीछे खिला हुआ बाग है, तो इस तरह का हम लग रहे। एक नॉर्मल दिनचर्या रही मेरी स्कूल कॉलेज में, और इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं थक चुका हूँ दोस्तों, क्या बोलूं। बवासीर एक आम समस्या है, इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ। सेम दिनचर्या, रोबोटिक जीवन जी व्यतीत करता हुआ इंसान। दोस्तों मैं रोबोट नहीं हूँ। बीएड का हर छात्र यही चिल्लाता होगा कि मैं रोबोट नहीं हूँ भाई। बेटा तुमसे ना हो पाएगा।
मैं रोबोट नहीं भाई। सो फ्रेंड्स अभी जा रहा हूँ मैं रूम। आज की जो दिनचर्या रही वो काफ़ी मस्त रही, काफ़ी सही रही। एज यूजुअल हम पढ़ाई की क्लासेस लगाई, जैसे गए तब से क्लासेस लगाई 1 बजे तक, उसके बाद लंच हुआ, उसके बाद फिर क्लासेस लगाई, फिर रूम आ गए और अभी रूम जा रहा हूँ। फिर मैं जो लसन प्लान है उस लसन प्लान का प्याज बनाना है और तड़का लगाना है उसको सही एक अच्छी सी कॉपी पे लिख के तैयार करना और फिर दिखाना है। तो लसन प्लान बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सो थैंक यू एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मजे में रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए।